जिस पर आपका और आपके माध्यम से इस देश की जनता का ध्यान आकृष्ट करना हमारा लक्ष्य है और इस मुद्दे को सारी कांग्रेस पार्टी लेकर जनता के बीच में जा रही है। इस मुद्दे को स्वयं हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने पुरजोर तरीके से उठाया है। ये बात है जय जवान के उस नारे की जो इस देश में क्रांति लेकर आया था। ये बात है जय जवान के उस उद्घोष की जो आज भी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे नमन करता है और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को कम आंकना, उनके साथ धोखा करना, उस पर जालसाजी करने का जो काम अग्निवीर जैसी योजनाओं ने किया है उसके खिलाफ एक युद्ध छिड़ गया है और वो युद्ध उस अन्याय के खिलाफ है जो इस देश के युवा और अब इस देश की सैन्य बल को भी झेलना पड़ रहा है। और न्याय के इस महासंग्राम की कुछ रूपरेखा आपके सामने मैं लेकर आई हूं। 3 सुर्खियां बोल देती हूं और उसके बाद डिटेल में बात कर लेंगे। अग्निवीर जो योजना लाई मोदी सरकार, उसमें तमाम खामियां हैं। 4 साल के बाद उन लोगों का क्या होगा, आपने तमाम ऐसे वीडियो देखे होंगे कि कैसे कैसे लोगों को उसमें डाला जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन करीब 1.5 लाख युवा जिन्होंने सारे एग्जाम पास कर लिए थे उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। आज बेरोजगारी 45 साल में सबसे ऊंचे लेवल पर है और इसीलिए जो 10 साल से अन्याय और बेरोजगारी का दंश इस देश ने सहा है, इसमें जय जवान अभियान की शुरुआत करनी जरूरी हो गई और उसका उद्घोष खुद राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 31 जनवरी को करके दिया। ये एक राष्ट्रव्यापी महासंग्राम, एक महाअभियान है, जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध। और अब मैं इसके बारे में जो जो चीजें हुई हैं उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।